चलो देखो साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, बताया था मैं साइक्लोट्रॉन का यूज कब होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल का अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है या स्पीड इंक्रीज करना है तो दैट इज द इंक्रीजेज बाय द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन इज एन एपरेटस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल और टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है, किसका यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन का। अब इसका कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखो जो साइक्लोट्रॉन है दैट इज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये N और S मिलके क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। सपोज ये क्रॉस क्रॉस में कर दिया, क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, यानी हियर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक हॉलो स्फीयर लेंगे, याद रखना इसको मैं अलग अलग बता रहा हूं, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल शेप है। अब इस स्फीयर को मैं काट दिया बीच से, तो ऐसा ऐसा दो ठोक बन जाएगा ना, कटोरा जैसा होगा कि नहीं होगा, अब इसमें मैं लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कौन सा लगाऊंगा, एसी वाला, जो घर में होता है ना एसी, तो एसी से क्या फायदा है, एसी यानी वो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी उसका पोलैरिटी बार बार चेंज होगा, यानी पहले ये प्लस तो ये माइनस, फिर थोड़े देर बाद ये वाला माइनस ये वाला प्लस, समझ में आया। तो साइक्लोट्रॉन का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है कि इट इज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मैं अलग अलग इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बता दिया। देखो अब तुम लोग जो एग्जाम में डायग्राम बनाओगे एकदम सिंपल वाला डायग्राम बनाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल डायग्राम कैसा है कि इट इज मेड बाय टू डी शेप हॉलो स्फीयर, इसको नाम दे दिए डी वन एंड डी टू, डी शेप है इसलिए इसको डी वन डी टू नाम दे दिए। ये डी वन डी टू कौन सा फील्ड बनाएगा, बताया हूं ना मैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड, नहीं अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक हॉलो स्फीयर को काटा था ना, तो इसमें मैं लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी की डीसी, एसी, चलो नाम दे दिया मैं इसको डी वन और इसको डी टू, चलो इसको D1 दे दो इसको D2 दे दो, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, D शेप के कारण D1 D2, ओके, ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। AC जो वोल्टेज है, AC पावर सप्लाई, AC क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी विद इन सेकेंड कई बार प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे अपने यहां जो AC आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है पता है, इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज यानी एक सेकेंड में 50 टाइम उसका पोलैरिटी चेंज होगा, यानी एक सेकेंड में एक साइड 50 बार प्लस हो जा रहा है, दूसरे साइड 50 बार माइनस हो जाएगा, समझ में आया।
इसीलिए इससे वाइब्रेशन होता है ना, यानी कहीं जाके धोखे से छू दिए तो तुम्हारा भी पोलैरिटी 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो जाएगा। ओके चलो देखो, तो ये जो डी है, D1 D2, एक को दिए +4 दूसरे को दिए -4, ये पूरे एपरेटस को हम लोग प्लेस कर दिए किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेट से हम लोग प्रोड्यूस किए थे। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसको 3D में तो ऐसा बना नहीं सकते, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, यानी सपोज एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो क्या लिखोगे, साइक्लोट्रॉन इज मेड बाई टू हॉलो स्फीयर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। देयर नेम्स गिवेन D1 एंड D2 बिकॉज ऑफ द डी शेप, एंड दिस हॉलो स्फीयर प्लेस्ड इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आया समझ में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब नाउ द चार्ज विच इज टू बी एक्सेलरेटेड इज प्लेस्ड एट द सेंटर O। सपोज ये चार्ज क्यू है, इसी को अपने को एक्सेलरेट करना है, तो उस चार्ज को कहां रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। ओके अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, सपोज ये स्विच के है, के को ओपन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, बताओ तो चार्ज मूव करेगा क्या, यानी ये चार्ज अभी रेस्ट में है और वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए हैं। अपना जो फॉर्मूला था लॉरेंज फोर्स Q V B sin थीटा, क्या होगा, V तो जीरो है ना, चार्ज रेस्ट में है, लॉरेंज फोर्स इस पे लगेगा क्या, भाई लॉरेंज फोर्स में पड़े है ना, पड़े पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कंडीशन बताया था कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट फोर्स विल बी जीरो, यानी जब ये चार्ज रेस्ट में है इसका वेलोसिटी जीरो है, लॉरेंज फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, कोई फोर्स वोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कब लगेगा, जब ये चार्ज मोशन में आएगा, यस और नो, तो चार्ज को मोशन में लाने के लिए क्या कर दिया, ये एक्सेलरेटर को ऑन कर दिए, यानी ये जो एसी करंट है इसको ऑन किए। अब एसी करंट ऑन हुआ तो देखो क्या होगा, सपोज मेरा जो D1 है वो प्लस पे आ गया, D2 आ गया माइनस पे, ओके, और ये तुम्हारा सपोज पॉजिटिव चार्ज है, किधर जाएगा, D2 के साइड की D1 के साइड, भाई एक्सेलरेटर को मैं ऑन किया हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज D1 प्लस पे है, D2 माइनस पे है, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, D2 के साइड। उल्टा अगर ये D1 माइनस पे है, D2 प्लस पे है, तब ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, D1 के साइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको बताओ तो, क्यों अनुषा, आरुषि क्लियर हो रहा है, तो देखो चलो, अब मैं इसको स्विच ऑन कर दिया, अभी तक ये चार्ज रेस्ट में था और जब ये रेस्ट में है देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स F = qvb sin थीटा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो और नो फोर्स एक्ट ऑन इट, बट व्हेन D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव दिस चार्ज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड D2 सॉरी D1
ये चार्ज अब D1 के तरफ मूव किया, यानी इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया? जैसे इसमें वेलोसिटी भी आया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फोर्स इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा? ओके, फोर्स लगेगा किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन की सर्कुलर? सर्कुलर पढ़े थे ना, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता है, बताया था मैं सर्कुलर पाथ में। तो ड्यू टू दिस लॉरेंज फोर्स इट स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ऐसे मूव किया, देखो सर्कुलर पाथ, जैसे ये हाफ सर्कल कंप्लीट किया, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस टाइप से सेट करना है कि जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है इसका पोलैरिटी फिर से चेंज हो गया, ये माइनस ये प्लस, यानी अब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा टुवर्ड माइनस, क्योंकि इस माइनस का इस चार्ज पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स लगा तो वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगा, और इसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर ये जैसे ही D2 को क्रॉस करेगा फिर से पोलैरिटी चेंज, ये D1 माइनस D2 प्लस, फिर ये सेमी सर्कल पास कवर किया। तो हर एक सेमी सर्कल में पोलैरिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे पोलैरिटी चेंज हो रहा है चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, और व्हेन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सीड एट अ मैक्सिमम वैल्यू और एट अ रिक्वायर्ड वैल्यू, देन यहां पर रहता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेंगे एंड सेंड टू द टारगेट जहां से एक्सरे प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो एक बार और बता दे रहा हूं मैं कि साइक्लोट्रॉन इज मेड बाय टू हॉलो स्फेरिकल बॉडी विच इज कट इनटू डी शेप, देयरफॉर इट इज नेम एज D1 एंड D2। दिस स्फेरिकल बॉडी कनेक्टेड टू द एक्सेलरेटर एंड दिस हॉलो स्फीयर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The charge particle which to be accelerated is placed at the center of this sphere. Okay? When accelerator is on, the charge particle moves toward D1 because D1 is at negative potential. When it start moving, then Lorentz force act on it, which is given by equation F equal to QVB sin 90 degree, that is F equal to QVB. Due to this Lorentz force, charged particle start moving in circular path. Okay? The frequency of cyclotron is adjusted such that when charged particle cross each hollow sphere, the polarity of the sphere changes. Due to which the speed of charged particle continuously increases. Okay? And when this speed achieve a required value, then charged particle deflected out by deflecting plates. ये तुम्हारा हो गया deflecting plates. Clear हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? चलो ठीक है, तो ये इसका थ्योरी है। अब देखो, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा यहां 90 डिग्री है। 90 क्यों लिए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ,
तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक और फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स। देन सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फॉर द सर्कुलर मोशन दिस सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू दिस लॉरेंट फोर्स, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, ये होना चाहिए। ये याद रखना, ये फॉर्मूला कई जगह न्यूमेरिकल में यूज होगा। देन फ्रॉम हियर वी डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो पहले किए थे, क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्यू बी, सॉरी एम वी अपॉन क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? एंड दिस फॉर्मूला शोज दैट कि हियर क्यू तो कांस्टेंट है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल लिए उसका चार्ज मास कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग यहां पर फिक्स कर दिए हैं। देन इट शोज दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब हर एक साइकिल में वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि इधर गया ये इसको अट्रैक्ट किया, बढ़ गया वेलोसिटी, फिर जैसे ही क्रॉस किया ये अट्रैक्ट किया, तो हर एक साइकिल में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, पहले भी इसको निकाले थे, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू पाई आर अपॉन वी, होगा कि नहीं होगा? टू पाई आर यानी जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, वी क्या है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इसके अकॉर्डिंग टी का वैल्यू हो गया 2 पाई अपॉन वी एम वी अपॉन क्यू वी, यानी ये और ये कैंसिल, तो ये आया टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर क्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल स्मॉलर सर्कल में मूव करे या लार्जर सर्कल में मूव करे टाइम पीरियड सेम रहेगा। देन हाउ इज इट पॉसिबल? तुम लोग को अगर छोटे ट्रैक में दौड़ाया जाए 100 मीटर वाले में और 400 मीटर वाले में दूसरे को दौड़ाएंगे, बोलेंगे एक ही टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करना है, तो क्या इंक्रीज करोगे? ओके, स्पीड इंक्रीज, दैट मीन्स इन ईच साइकिल स्पीड इज इंक्रीजेज। सपोज यहां से एक साइकिल में अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो बड़े वाले में भी 1 सेकेंड लगेगा, तो कैसे पॉसिबल होगा? जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन और ये भी आता है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस वन हॉलो स्फीयर, यानी वन हॉलो स्फीयर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो वो टाइम क्या होगा? टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू, यानी एम पाई एम बाई क्यू बी, यही तो होगा ना। दिस इज द टाइम टेकन बाई चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस वन हॉलो स्फीयर, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। चलो ये वाले फॉर्मूला से वी का वैल्यू कितना होगा?
वी इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन एम, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, चलो इसी फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, ये एम और ये एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ 1/2 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये सब फॉर्मूला लिखते जाओ, स्पेशल न्यूमेरिकल आता है ना क्यू वी बी, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब इसका स्पीड मैक्सिमम होगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम कहां पे रहेगा, स्मॉलर सर्कल में कि लार्जर सर्कल में? लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल में। तो सपोज ये लार्जर सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग स्मॉल आर का वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल आर। Then the maximum kinetic energy E maximum will be equal to 1/2 Q square B square R square upon M. This is the formula for maximum kinetic energy. Okay? तो ये तुम्हारा हो गया साइक्लोट्रॉन। क्लियर है यहां तक? अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसका ड्रॉबैक क्या क्या है, या व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो टू मेजर लिमिटेशन है इसके। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को अपने को एक्सेलरेट करना है, गोल गोल घुमा घुमा के दौड़ा दौड़ा के उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है। फॉर दिस पर्पस वी यूज साइक्लोट्रॉन, बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट, अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, यानी जिस पार्टिकल का चार्ज जीरो है, जीरो चार्ज वाला बताओ, न्यूट्रॉन हो गया, कोई भी एटम हो गया, ये सब का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, दैट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। व्हाई, बता दो वेदांत, क्या रीजन हो सकता है कि न्यूट्रॉन, या क्योंकि बिकॉज, हाँ भाई, जब चार्ज जीरो रहेगा तो उसपे लॉरेंज फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना भाई, अनचार्ज पार्टिकल में अगर चार्ज जीरो है, क्यू का वैल्यू जीरो, तो लॉरेंज फोर्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जब लॉरेंज फोर्स जीरो है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करेगा, देयरफोर अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाई साइक्लोट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं, ये पूछता है क्वेश्चन, एक नंबर में सीधा पूछ देगा, क्यों आरुषि? देखो क्वेश्चन आता है कि अनचार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाई साइक्लोट्रॉन, या ये क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन।
अनचार्ज पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज जीरो है। तो सपोज मैं जीरो चार्ज वाला चार्ज पार्टिकल जीरो चार्ज वाला पार्टिकल यहां पर रख दिया, तो लॉरेंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। व्हेन चार्ज इज जीरो तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तो जब फोर्स जीरो है तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से हिलेगा क्या? यानी अनचार्ज पार्टिकल, सॉरी अनचार्ज पार्टिकल हिलेगा क्या वहां से? नहीं, नहीं होगा, मूव ही नहीं करेगा। इसीलिए अनचार्ज पार्टिकल के नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। ओके, ये फर्स्ट रीजन हो गया। तो क्या लिखोगे रीजन? बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन द अनचार्ज पार्टिकल, देयरफोर अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाई साइक्लोट्रॉन। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रख दूंगा तो वो एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है नो। ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, व्हाई? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा इसमें रीजन कॉन्सेप्चुअल है कि इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं होगा, या इलेक्ट्रॉन के नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। प्रोटॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दोनों का चार्ज तो सेम है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। क्या रीजन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हल्का कौन है बताओ? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास वेरी लेस है। तो ड्यू टू लेस मास यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा, जैसे इधर प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत धाम से उधर चले जाएगा और जाके इधर किनारे में टकरा जाएगा। फिर अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर आ जाएगा। यानी इट डू नॉट फॉलो सर्कुलर पाथ, सेम वैसे ही जैसे मैं तुमको फुटबॉल के जगह एक बैलून दे दिया फुटबॉल खेलने के लिए, खेल पाओगे क्या? उसका मास तो वेरी लेस है ना, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में मूव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इधर लात मारोगे तो उधर भी चला जाएगा वो। सेम यहां पर है कि ड्यू टू वेरी लेस मास इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट रेंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में रहेगा, इधर उधर धाम धाम टकराते रहेगा। तो जब ये टकराएगा तो ये प्रॉपर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। क्लियर हुआ? क्यों वेदांश? अब देखो टाइम पीरियड का इसका एक और आंसर है। ये तो एक नंबर का आंसर हुआ कि बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, देयरफॉर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन फॉलो रेंडम पाथ एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। सेकेंड, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन बताओ। तो लिखा ना फॉर्मूला टाइम पीरियड और डिराइव किए, 2πm/qb, ये है ना, यही था। अब देखो टाइम पीरियड मास पर भी डिपेंड करता है, बट यहां पर साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? हाँ।
टाइम पीरियड फिक्स है, यानी पहले वाले सर्कल में 1 सेकेंड, दूसरे में भी 1 सेकेंड, तीसरे में भी 1 सेकेंड, चौथे में, पांचवे में, दसवें, हजारवे, जो भी है 1 सेकेंड ही लगेगा, तभी तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। बट हियर टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम। अब अभी तक जो पढ़े हो उसमें मास कभी चेंज होता है क्या? नहीं। तो जहां 11 तक पढ़े हो उसमें था कि मास इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी, किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, भले ही वेट चेंज हो जाएगा, उसको चाहे मून पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, वेट चेंज होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। बट एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी में, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला सीधा लिख लो, दिस इज द फॉर्मूला कम्स फ्रॉम रिलेटिविटी। ये क्या बोलता है कि मास भी चेंज होता है स्पीड के साथ, ओके, कि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस मास ऑफ बॉडी चेंजेस। बट ये कंडीशन कब आएगा? ये कंडीशन आएगा व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विद वेरी लार्ज वेलोसिटी। छोटे मोटे वेलोसिटी क्या 1000, 10000, 20000 किलोमीटर पर आवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अप्लीकेबल होगा व्हेन वी कैन कंपेयर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी अपना कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर लाइट के स्पीड के आसपास चल रहा है, यानी वेरी हाई स्पीड के साथ, उस केस में मास चेंज हो जाएगा। यहां पर m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास यानी एट v इक्वल टू जीरो, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ स्मॉल m? बताओ तो क्या होगा स्मॉल m का वैल्यू? v को जीरो रख दो तो स्मॉल m का वैल्यू m नॉट अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस 0, यानी स्मॉल m का वैल्यू m नॉट हुआ कि नहीं हुआ? इस मास को बोलते हैं रेस्ट मास। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, देयर मास इज कॉल्ड रेस्ट मास। बट इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वाले केस में मास तो वेरी कम है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए उसका स्पीड वेरी हाई हो जाएगा, यानी वी का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो जब वी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एम का वैल्यू यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? बताओ तो इस फॉर्मूला से डिक्रीज कैसे होगा? वन माइनस है ना, तो वी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो m का वैल्यू भी इस फॉर्मूला से क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज। अच्छा चलो ये बताओ, अगर v का वैल्यू c हो जाएगा तो m का वैल्यू क्या होगा? m नॉट अपॉन जीरो इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? तो ये दो से देख लो, जब v का वैल्यू जीरो है इसका मास उसका ओरिजिनल मास है, दैट इज नोन एज रेस्ट मास। बट एज द वैल्यू ऑफ v इंक्रीजेस मास ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, एंड व्हेन इट बिकम अप टू द स्पीड ऑफ लाइट मास बिकम इनफाइनाइट। यानी वो छोटे से इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब मास इनफाइनाइट हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट मतलब वो फास्ट मूव करेगा कि स्लो मूव करेगा? टाइम पीरियड क्या होता है? स्कूल गए और वापस आए 6 घंटे में, टाइम पीरियड हो गया 6 आवर। टाइम पीरियड इनफाइनाइट मतलब स्कूल गई और इनफाइनाइट टाइम में वापस आ रही है, तो क्या होगा? वो जो चार्ज पार्टिकल फास्ट मोशन में रहेगा कि स्लो मोशन में रहेगा? फास्ट कहां से हुआ? टाइम पीरियड इनफाइनाइट। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? जाने और आने में जो टाइम लगा। सर,
भाई तू कहीं जा रहा है, 1 घंटे में आ गया, टाइम पीरियड 1 आवर हुआ, वहीं गया 2 घंटे में आया, टाइम पीरियड 2 आवर, वहीं गया 6 घंटे में आ गया, टाइम पीरियड 6 आवर। समझ में आ रहा है? यानी धीरे धीरे तेरा मोशन स्लो होते जाएगा ना, तेरे को 1 घंटे में आना है दौड़ के आ जाएगा, 2 घंटे में आना धीरे धीरे आएगा, 1 दिन बाद आना है आराम से रुकते हुए आएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां भी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेस वेरी लेस रहता है और वो वेरी हाई स्पीड से मोशन करने लगेगा। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू वेरी हाई वैल्यू, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दे आर मूविंग मास इंक्रीजेज, एंड वेन दे आर मूविंग मास इंक्रीजेज टाइम पीरियड इंक्रीजेज, एंड वेन टाइम पीरियड इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर साइकिल, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में तो एक फिक्स टाइम पीरियड में आएगा तभी तो स्पीड इंक्रीज होगा ना, पहले वाले सर्कल को भी 1 सेकेंड में, दूसरे वाले को भी 1 सेकेंड में, तीसरे वाले को भी 1 सेकेंड में ट्रेवल करना है कि नहीं करना है? बट यहां पे क्या हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, पहले वाले में 1 सेकेंड आएगा, दूसरे वाले में 2 सेकेंड बाद आएगा, तीसरे वाले में 5 सेकेंड बाद आएगा, और ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो गया तो अब 1 घंटे बाद आएगा, अब इनफाइनाइट टाइम हो गया तो आएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये रीजन लिखना है कि द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन इज टी इक्वल टू 2 पाई m/qv, एंड वी नो दैट फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन मूविंग मास एंड रेस्ट मास इज m इक्वल टू m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट देन स्मॉल m इक्वल टू m नॉट, यानी देयर मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास, बट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस मासिव, देयरफॉर व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इट कम आउट इन वेरी फास्ट मोशन ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू वेरी हाई वैल्यू, देन फ्रॉम दिस फॉर्मूला देयर मूविंग मास इंक्रीजेज, एंड व्हेन मूविंग मास इंक्रीजेज टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज, बट देयर इज ड्यू टू देयर इज चेंज इन टाइम पीरियड द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर साइक्लिक मोशन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नॉट बी इंक्रीज बाई साइक्लोट्रॉन। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो आता ही है, ये पूछता ही है, साइक्लोट्रॉन जब भी पूछेगा तो बाकी फॉर्मूला तो पहले प्रूफ कर चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, और ये पूछता है लिमिटेशन, तो 2 लिमिटेशन है, दोनों लिमिटेशन में से क्वेश्चन आता ही है। ओके okay?